बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी सब खैरियत से हैं। अच्छा, आज सुबह सुबह जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये तकरीबन ना 12:30-1 बजे का टाइम है। हम लोग जा रहे हैं बोल्टन मार्केट और वहाँ पर है इमरान अतारी की शॉप, जो कि बड़े मशहूर हैं कराची में भी, इसके अलावा दूसरे शहरों में भी लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं। अच्छा, ये बहुत बड़े होलसेलर हैं तो इनके पास ना हर तरह का सामान होता है। मैं पहले भी एक दफ़ा आई थी यहाँ पे, मैं लेके भी गई थी चीज़ें और वीडियो भी बनाई थी, और आज हम लोग फिर आए थे। और ये सारी चीज़ें जो है ना इतनी यानी कि यूज़फुल हैं, घर में किचन की चीज़ें हर तरह की इनके पास जो है ना वैरायटी है। तो रमज़ानों में भी आगे बहुत ये चीज़ें काम आने वाली हैं। किचन की सारी चीज़ें जो है ना बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, सारी मुझे बड़ी पसंद है। और वैसे भी मुझे किचन की चीज़ों से इतनी मोहब्बत है ना, आप यकीन जाने कि जहाँ पे भी मैं देखती हूँ ना, मैं ज़रूर जाती हूँ और लेती हूँ। चाहे मेरे पास पहले से लगे काफ़ी चीज़ें रखी होती हैं, मैं फिर भी ज़रूर लेती हूँ। अच्छा, हम लोग आए थे, मैं, मेरी दोनों बेटियाँ थीं और मेरी नंद थी और दूसरी वाली नंद की बेटी थी। हम लोगों ने एक दिन पहले प्रोग्राम बनाया था कि सैटरडे को चलेंगे, तो हम लोग यहाँ पे आए थे सुबह सुबह। हम लोग आ गए थे इतनी सुबह तो नहीं है, मगर बहरहाल हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद हम लोग घर से निकल आए थे। तो आज हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, वीडियो पूरी देखिएगा, आपको भी बहुत मज़ा आएगा आगे चल के। और हम लोग जो सुबह 12:30-1 बजे जो घर से निकले थे, रात को हम लोग 10:30 बजे घर गए। और ये इनकी चीज़ें आप देखते जाएँ, सामान साथ साथ बहुत अच्छा और बड़ा रिजनेबल प्राइस पे है। और होलसेल है, सारी चीज़ें इनकी ना होलसेल रेट पे होती हैं। 60 रुपीज़ की भी हैं, 100 रुपीज़ की भी हैं, 200 की भी हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ कीमतों की ये चीज़ें हैं। और सब जो है ना बड़ी रिजनेबल है कि आप लोग ना बड़ी आसानी से इंसान ख़रीद सकता है हर कोई। और रमज़ानों की तैयारी, आपको पता है कि माशाल्लाह रमज़ान भी आने वाले हैं, 1-2 महीने रह गए हैं। अच्छा, जो जो कराची में रहते हैं उनको तो हर इनका पता होगा, बोल्टन मार्केट जाए ना तो शुरू में इनके इमरान अतारी की शॉप है, यानी कि ऊपर 3rd फ्लोर पर जाकर है। तो आप किसी से भी पूछेंगे ना तो आपको रास्ता बता देंगे। और ये देखें, यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र रखे हुए हैं, इतनी अच्छी चीज़ें रखी हुई थी। तो इसके साथ ही पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बताया करें कि आपको वीडियोज़ कैसी लगती हैं। और भी मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें आगे जाके शेयर करने वाली हूँ। और वो सामने कोने पे वो बैठे हुए हैं, उनकी मैंने पिक्चर भी ली थी, वो भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इनके पास स्टीमर थे, इनके पास बॉल थे, यानी कि ज्वेलरी बॉक्स थे, मशीनरी थी, हर तरह की चीज़ें थी। और मैंने भी हर काफ़ी सामान लिया है, जो कि मैं आपके साथ ना नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये ज्वेलरी बॉक्स था, ये बहुत अच्छा है, अगर आप लोग ट्रैवल करें ना तो ट्रैवल के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त ज्वेलरी बॉक्स है। और घर में भी आपकी ज्वेलरी जो है ना ऑर्गेनाइज रहती है, सारी चीज़ें इसमें सेफ़ रहती हैं। इसमें यहाँ पे मोब वगैरह भी थे, स्टैंड थे चमचों के, ग्लास के स्टैंड थे। अच्छा, उसके बाद हम लोग ये आ गए थे बाहर रोड पे, ये आगे बोल्टन मेन बोल्टन मार्केट जो है ना, ये कुछ समझे कि बड़ी मशहूर गली है जहाँ पे हर तरह का सामान लगा होता है। यहाँ पे चप्पलें इतनी खूबसूरत थी, और यहाँ बेटी भी कह रही थी और नंद की बेटी ने भी चप्पल लेनी थी, तो हम लोग यहाँ पे खड़े होकर चप्पलें देख रहे थे। यानी कि आप यकीन जाने कि हम लोगों ने इतना मज़ा किया, इतना इन्जॉय किया कि आने के बाद भी हम 2-3 दफ़ा जब बैठे ना सब मिलके, तो हमने कहा वाकई बड़ा मज़ा आया, ऐसे लग रहा था कि जैसे हम लोग ना पिकनिक मनाने के लिए गए हैं। बहुत मज़ा किया, बहुत घूमे फिरे हम लोग, सब ने इन्जॉय किया। ये मेरी नंद है, और ना यहाँ ये देखें, यहाँ पे ये चॉकलेट के ठेले लगे हुए थे, बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत। और बेटियाँ ना ये वाली चप्पल लेने को कह रही थी और बहुत प्यारी लग रही थी, मगर इसमें साइज़ नहीं था। ये देखें, साइज़ बहुत बड़ा था, इनका साइज़ नहीं था। पीछे गली में से बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, इसको इग्नोर करिएगा प्लीज़। ये देखें आप, क्योंकि मैं ख़ुद भी अभी दोबारा इतनी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे शॉपिंग प्लेस ना बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप कुछ नहीं भी लेते ना तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, आपको पता चलता है। और वेदर देखे कितना अच्छा हो रहा था। और यहाँ पर हम लोग आ गए थे, ये मेकअप का एक वो स्टॉल था पूरा, तो यहाँ से भी बेटी ने लिप ग्लॉस ली, लिपस्टिक ली, और मसलन जो जो चीज़ें हर जगह जहाँ खड़े हो रहे थे ना वहाँ से कुछ ना कुछ ले रहे थे सब के सब ना। और यानी कि देखे, देख भी रहे थे, ले भी रहे थे, इन्जॉय भी कर रहे थे, आपस में हंसना बोलना इन्जॉय करना, आप यकीन जाने के बड़ा मज़ा आया था। और आप, खैर अभी मैं इस पर वॉइस ओवर कर रही हूँ, अगर आप मैं वैसे दिखाती ना तो आप लोग और ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, मगर पीछे इतना शोर शराबा था, सब आवाज़ें थी कि फिर आपको ना समझ में ही नहीं आना था।
तो यहाँ से भी मैंने छुरी ली एक। उसके बाद हम लोग आगे आए तो मेरी नंद ने ना वहाँ पे केले लेने लग गई, भूख लग रही थी तो कह रही चलो पहले केले खाते हैं सारे, तो वो सबको केले दे रही हैं। तो हम लोग हंस रहे थे, मैं कह लो कह रही लो फूफो केले लेके आ गई हैं, सबको दे रही हैं केले खाओ। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, वो मेरी नंद की बेटी हैं, ये मेरी बेटी हैं। तो आप बाज़ार देखें, बड़ा बिजी बाज़ार है ये ना, बोल ये असल में ना होलसेल मार्केट है। और यहाँ पे उसके बाद हम लोग आ गए थे अंदर, मार्केट है कपड़ों की, वहाँ पर आ गए थे क्योंकि हम लोगों ने कपड़े भी लेने थे। तो यहाँ से मैंने मारिया बी का सूट लिया, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी। एक ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ना मैं अभी तकरीबन ना 1 बजे जोहर की नमाज़ के बाद ना वॉइस ओवर करने के लिए बैठी थी, इस टाइम पर सारे सब्ज़ी वालों के ठेले और दूसरे ठेले सब गुजरते, इतनी आवाज़ें आती हैं, कितना तो मैंने बंद किया। फिर मैंने कहा चलो अब मैं पूरा कम्प्लीट कर दूँ, तो फिर वो पूरा दिन ना मेरे वॉइस ओवर रह जाती है, वीडियो अपलोड होना रह जाती है। तो इसलिए पीछे जितनी भी आवाज़ें आ रही हैं ना उसको इग्नोर करिएगा, हालांकि मैं बंद कर कर के वॉइस ओवर कर रही हूँ। और सूट भी बड़े अच्छे थे, एक मैंने लिया, नंद ने लिया, फिर नंद की बेटी ने लिया। तो ये आप लोग प्रिंट देखें यहाँ पर, तो इस तरह तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर मैं आपको सारे दिखाती हूँ ना। काफ़ी सारे सूट हम लोगों ने यहाँ पे खुलवाए थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा तेज़ कर दिया कि आप लोग भी इसको एंजॉय करें। एक ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसकी शर्ट बहुत प्यारी थी, प्लेन शलवार थी और दुपट्टा था। मुझे इस तरह के प्रिंट्स जो है ना वो बहुत पसंद है, मुझे फूलों वाले प्रिंट्स जो है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये ज़िगज़ैग वाला मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो बेटियों ने मुझे लेने ही नहीं दिया, कह रही मामा आपके पास ऐसा ब्लैक कलर का पहले भी है। तो दुपट्टा सेम ऐसा ही है, कलर चेंज था उसका। तो बहरहाल बड़े अच्छे प्रिंट थे, यहाँ से नंद की बेटी ने लिया, फिर आगे जाके नंद ने सूट लिया, मैंने उससे पहले ले लिया था। तो बस हम लोग देख रहे थे, ले भी रहे थे, जहाँ जो चीज़ अच्छी लग रही थी वो ले रहे थे। तो काफ़ी देर हमें लग गई यहाँ पे हर चीज़ को देखते देखते, कलर बड़े प्यारे प्यारे थे। फिर उसके बाद हम दूसरी शॉप पे आ गए। अच्छा ये 2500-2800 के करीब सूट थे जो अभी हम लोगों ने लिए थे, हालांकि प्रिंटेड लॉन के ही थे। अच्छा उसके बाद हम लोग यहाँ पे, ये मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है, यहाँ लेडीज़ की भी अलग से जगह है, नमाज़ वगैरह अदा कर सकती हैं लेडीज़। तो असर का टाइम हो गया था, यहाँ पर हम लोग आए और यहाँ तो वाशरूम वगैरह जाना था, हम लोग बाहर खड़े थे, बस अंदर गई नंद, गई नंद की बेटी गई, वो कह रहे बहुत रश है, तो वो लोग भी बाहर आ गए थे, हम लोग भी यहाँ पर खड़े होकर वेट कर रहे थे। और मस्जिद देखे कितनी बड़ी है, इतनी माशाल्लाह खूबसूरत मस्जिद है ये, और बहुत बड़ी मस्जिद है। उसके बाद सबको भूख लग गई थी, उसके बराबर में ना बिरयानी का स्टॉल था, वहाँ पर हम लोग चले गए थे, फिर हम लोगों ने वहाँ पर बिरयानी खाई सब ने। और यहाँ पे भी हम लोगों ने बड़ा इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया यकीन जाने। उसके बाद हम लोग आ गए थे चाय पीने के लिए, ये फिर दूसरी जगह पे हम लोग चले गए थे चाय पीने, वहाँ हम लोगों ने चाय पी। और यहाँ पे मैंने ना रील भी बनाई है जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे वो डाली है, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो कर लें, वहाँ जाके भी मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम का लिंक इसके ऊपर दिया होगा, तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर आप फॉलो करें। तो वीडियो का मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। खबर हाल मुझे तो खैर बड़ा मज़ा आया, बड़ा एंजॉय किया, आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा। तो बस मेन जो क्लिप थे वो आप लोगों के साथ शेयर किए, अगर मैं वैसे वीडियो बनाती ना तो बहुत बड़ी बन जानी थी। उसके बाद हम लोग आगे थे, आगे एक और मार्केट थी, यानी कि ये पूरा ना होल सेल की एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो डिफरेंट पार्ट्स में ना चीज़ों की वो है शॉप, तो वो बस जैसे जैसे हम लोग चलते गए वैसे वैसे आपको मैं दिखा रही हूँ। उसके बाद हम लोग आ गए थे, ये शूज़ की मार्केट है, यहाँ पे बेटी ने शूज़ लेने थे, मैंने कहा चलो यहाँ देखते हैं, और चप्पल भी इन लोगों ने लेनी थी तो वो हम लोग देख रहे थे शूज़। यहाँ क्या क्या है, क्या नाम है? उबैद। और आपका? उस्मान। अच्छा उसका नाम आपने बता दिया और अपना शर्मा के बता रहे हो। अच्छा ये दो बच्चे थे, तो ये बड़े प्यारे बच्चे पठान थे, तो इनसे मैं बात कर रही थी। अच्छा उसके बाद जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ लगी ना वो मुझे ये थी, हम लोग गुल प्लाज़ा आ गए, गुल प्लाज़ा में ये शॉप थी, इतनी ज़बरदस्त थी, यहाँ पे फर्नीचर इतना ज़बरदस्त था, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, ट्रॉलीज़, और जिस तरह के मेरी दिल था ना वैसी मुझे चीज़ें नज़र आ गई, और मुझे मेरा इतना दिल खुश हो रहा था इनको देख के। आप लोग भी देखें और मुझे बताइएगा आपको कैसे लगे। इनकी डाइनिंग टेबल्स इतनी अच्छी थी, बिल्कुल मसलन अगर आपके पास थोड़ी स्पेस है ना तो उसके लिए बहुत अच्छी थी। और यहाँ बैठी झूले पे बैठी हुई थी तो बड़ी अच्छी। ये देखें ये जो है ना, इस तरह की मैं डाइनिंग टेबल चाह रही थी कि छोटी सी भी हो, जगह भी ना इतनी घिरे और ना अच्छी भी लगती हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगी और इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर बाय करूँगी। और ये जो है ना कॉफ़ी टेबल, ये मुझे बड़ा
सारा दिन हम लोग घूमे। जब लास्ट में हम लोग इस शॉप पे आए ना, तो मेरा इतना दिल खुश हुआ, यकीन जाने कि इतना मज़ा आया ना मुझे ये चीज़ें देख के, कि बस मेरा दिल कर रहा था कि मैं अभी ये सब ना ले जाऊँ उठा के। बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया, और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई यहाँ पे। और भी ऊपर थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, ये सारी गुल प्लाजा की जो मार्केट है ना, यहाँ पे आपको एक से एक चीज़ यहाँ पे मिलेगी। और हम लोग इतना पैदल चले, इतना पैदल चले, इतना हम लोग थक गए थे। और ये वाली डाइनिंग टेबल देखें, ये भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। और ये कॉफ़ी टेबल, सेंटर टेबल, और ये साइड टेबल्स हैं यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें थीं। तो यहाँ से हम लोगों ने वीडियो बनाई, उसके बाद हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे चले गए थे। वहाँ पे हम लोगों ने, वहाँ पे भी सारे बर्तन ही बर्तन होते हैं, वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी और वो ख़ुद भी बता रहे थे कि ये इतने की है, ये इतने की। वो भी बड़े मज़े से वीडियो बनवा रहे थे जिनकी शॉप थी। और ये टेबल्स देखे कितनी ज़बरदस्त है। फिर उसके बाद हम लोग ऊपर गए, ऊपर भी बहुत क्रॉकरी थी, बहुत ज़्यादा क्रॉकरी थी, बस चीज़ें माशाल्लाह माशाल्लाह। तो दिल करता है कि ये भी ले लें, ये भी ले लें, बस इंसान क्या कुछ ले, कितना ले। और बर्तन और दूसरी चीज़ें माशाल्लाह, इसमें से बहुत सारी चीज़ें मेरे पास थी, मगर मुझे देख के बना, वीडियो बना के बड़ा मज़ा आ रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। कुछ चीज़ें न्यू थी, उनके बारे में पूछा, उनकी प्राइसेस पूछी। अच्छा, मेरी एक सिस्टर है, आप लोग चीज़ें देखें, और मैं आपको बता रही हूँ, मेरी एक सिस्टर है, उन्होंने दो दफ़ा मुझे कमेंट्स किया है वीडियो में डैंड्रफ के लिए। तो मैं आप लोग, यानी कि उन्होंने मुझे कमेंट किया कि आपकी बेटियों के बाल बहुत अच्छे हैं, तो आप मुझे डैंड्रफ के बारे में कुछ बताएं। पहले भी उन्होंने किया था, फिर दोबारा किया, तो अभी भी मैं भूल रही थी, एकदम से मुझे याद आ गया। तो आप डैंड्रफ के लिए, जो मेरी अम्मी, मेरी दादी या हम बड़े जो बताते थे ना, दही के अंदर आप सरसों का तेल मिला के ना वो बालों में लगाएं, और ये ना बहुत यूज़फुल टिप है। और दूसरा ये है कि आप प्याज का अरक निकाल लें, उसमें आप ना सरसों का तेल मिलाएँ, खोपरे का तेल मिलाएं और वो यूज़ करें, उसमें थोड़ा सा नींबू लगा दें। और मैंने ख़ास तौर पे आपके लिए ना सर्च करके ये टिप निकाली है, और अल्लाह का शुक्र है हम लोगों को किसी को भी डैंड्रफ नहीं है। मेरी बेटी को हो जाता है कभी कभी, और वो खुद ब खुद ख़त्म भी हो जाता है। और जो छोटी वाली बेटी है ना, उसके बाल तो खैर कुदरती तौर पे बहुत अच्छे हैं, बहुत लेंथी हैं, और हालांकि वो इतनी केयर भी नहीं करती है। जो बड़ी वाली बेटी है ना, वो थोड़ी सी केयर करती है, और वो प्याज का अरक निकाल के लगाती है। और आजकल आपको पता है प्याज का बहुत ज़्यादा बताते हैं, उसके मार्केट्स में ऑयल भी आ रहे हैं, मगर मेरी बेटी जो है ना, वो घर में ही उसका अरक निकालती है। और अगर आप उसमें तेल मिला के ना उसको पका के लगाएं ना, वो भी बहुत ज़बरदस्त टिप है। तो आप ये दोनों ना यूज़ करके देखें, इंशाल्लाह ताला ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। और तेल जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ऑयलिंग ज़्यादा करके रखें बालों में ना, उसको ज़्यादा खुश्क ना रहने दें। नहाने से पहले कम अज़ कम 2 घंटे ज़रूर ऑयल लगा के रखें, तो इन चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अगर फ़ायदा हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये तो खैर यूज़ किया हुआ है, दही और तेल वाला वो भी यूज़ किया हुआ है, और इसमें प्याज के अरक में ना ऑयल मिला के, ये भी बहुत अच्छा है। तो आप ज़रूर यूज़ करिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट भी ज़रूर करिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी है ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और ये वीडियो मेरी बहुत मेहनत से बनी है, बहुत टाइम निकाल के मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, ख़ुद भी इंजॉय किया है, ख़ुद भी शॉपिंग की है, और आप लोगों के साथ भी, आप लोगों को भी इंजॉय करवाया है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे, वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।